हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मज़ेदार चिकन चटकारी बोटी, ऊपर से क्रिस्प करारी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है और जो बड़े साइज़ की बोटियाँ उनमें इस तरह से डीप कट लगा दिए हैं और इनको रख दिए थे मैंने छलनी पर। अच्छे से इसका पानी भी ड्रेन हो चुका है और अब इसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे चटनी, हरी धनिया और पुदीने की, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो एक छोटा चम्मच मैंने ले लिया चटनी का और एक अंडा ले लिया मैंने, अच्छे से इसे बीट कर लिया है, अच्छे से इसे फेंट लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आधा अंडा इसमें इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हाफ केजी चिकन है तो इसके लिए आधा अंडा काफ़ी होगा। अगर आप इससे ज़्यादा बनाते हैं तो आप एक पूरा अंडा इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा, जिस हिसाब से कम या ज़्यादा खाते हो। और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और एक छोटा चम्मच ऐड कर देंगे धनिया पाउडर का और 2 से 3 चुटकी ले लेंगे हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच ऐड कर देंगे इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का, अच्छे से कलर के लिए। थोड़ी सी सौंफ और अजवाइन को मैंने अच्छे से पीस लिया था, इसकी 2 से 3 चुटकी हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो सौंफ और अजवाइन को आपने पीस लेना है आधा आधा चम्मच, उसकी 2 से 3 चुटकी आपने ऐड कर देनी है। और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स। आपने 2 से 3 ब्रेड की स्लाइसेस को ले लेना है, हल्का सा उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से इसके क्रम्स बन जाएंगे और इसमें ऐड कर देना है, तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें ऐड कर देना है ब्रेड क्रम्स। और एक छोटा चम्मच ऐड कर देंगे सफ़ेद तिल, इससे चिकन का लुक बहुत अच्छा आ जाएगा और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो आप इसमें ऐड कर देंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा, जी हाँ खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर देंगे, बस 2 चुटकी ऐड करेंगे। इससे बोटियाँ जो है ऊपर से बहुत ही क्रिस्प बनेंगी। ऐड करके सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है हाथों की मदद से। और अब इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाथों से मिक्स करने से बोटियों के ऊपर मसाले बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं और मसालों का फ्लेवर बोटियों के अंदर बहुत अच्छे से पहुँच जाता है, तो इसलिए इस तरह से हाथों की मदद से आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और मैरिनेट करके जितना भी आपके पास टाइम हो उतना रख देना है, 1 घंटा 2 घंटा, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा इसे चटपटा बनाने के लिए मैं भूल गई थी, लास्ट में ऐड कर दिया मैंने चाट मसाला। तो आधा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला या फिर आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ऐड करके और इसे रख देंगे। तो ये देखिए बोटियाँ बहुत अच्छे से कोट हो चुकी हैं और इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किया। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो उसकी जगह आप मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे 2 चम्मच आपने मैदा ऐड कर देना है। तो ब्रेड क्रम्स ऐड करने से जो एक्सेस पानी होता है चिकन का, उस जो छूटता है वो सारे ब्रेड क्रम्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा पानी नहीं छूटता है। तो मसाले लगा के मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे के बाद मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। आपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि ऊपर से बोटियाँ जल जाए और अंदर से कच्ची रहें। और ऑयल का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा ना हॉट रखना है ना बहुत ही ज़्यादा लो रखना है। अगर लो रहा तो फिर बोटियाँ के ऊपर से मसाले जो है वो सारे छूट जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लिया, बिल्कुल गोल्डन हो जाने तक। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प करारी हमारी ये चिकन की बोटियाँ तैयार हो चुकी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। ये देखिए ब्रेड क्रम्स ऐड करने से चिकन बिल्कुल भी नहीं पानी छोड़ा है, बिल्कुल सूखी बोटियां हैं और तो चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब चिकन के साथ हम खाने के लिए एक डिप बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हंकड़ यानी कि टंगा हुआ दही, इस तरह से जाली पे आपने रख देना है और अच्छे से दही का सारा पानी निकल जाए, फिर आपने ले लेना है। इस तरह से बिल्कुल आपका हंकड़ बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा दही। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध के ऊपर की मलाई जो होती है उसे ले लेना, या फिर आप उसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूध की मलाई ले ली 2 से 3 चम्मच और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छे सा फ्लेवर आ जाएगा। तो देखिए दही को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, इसके अंदर मलाई का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। और अब इसमें ऐड कर देंगे धनिया पुदीने की चटनी। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने आधी मुट्ठी धनिया का लिया है और 8 से 10 पत्ती ले ली पुदीने की, आधा टमाटर ले लेना है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ऐड कर देंगे ऐसे 1.5 चम्मच ये चटनी और
भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और अगर आपके पास भुने हुए मिर्ची का भी पाउडर है तो वो भी ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाएगा बिल्कुल सौंधा सा। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी डिप बन के तैयार हो चुकी है और चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये चटकारी हैं बोटियाँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप इससे स्टार्टर में रख सकते हैं। जब भी आपके घर पार्टी हो या फिर कुछ अच्छा खाने का मन करे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से चिकन की चटकारी बोटियाँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्प कितना करारा ये चिकन फ्राई बन के तैयार हो चुका है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट।